Pero que lo haya dicho. जो 2014 में सांसद थे और 2019 में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद करमजीत कौर जी चुनाव लड़ी और बाद में आज वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। वहां के कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रही है, वहां के पब्लिक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रही है और उनके साथ एक कांग्रेस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी है जो कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, ऐसे तजेंद्र सिंह बिट्टू जी हिमाचल के प्रभारी तो रहे, पंजाब में कई कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रहे। बिट्टू जी शायद लाइब्रेरी के इंचार्ज भी उम्मीदवार तय नहीं हो रहे उनका, उसके भी इंचार्ज रहे और रायबरेली का जो इंचार्ज है इसका मतलब हम सब जानते हैं कि कितनी अहम भूमिका ऐसे व्यक्ति की वहां पर होती है। और आज राजेंद्र सिंह बिट्टू जी भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के इस यात्रा में जुड़ गए। मैं बिट्टू जी का और करमजीत कौर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी सत्यकाल जय गुरुदेव। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय भाजपा प्रधान श्री जेपी नड्डा जी, मान्योर जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद तावड़े जी, मान्योर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मान्योर संजय मावजी, मान्योर भाजपा राष्ट्रीय बुलारे जयवीर गिल जी, मान्योर सूबा प्रधान सुभाष शर्मा जी अते सुशील वेंकू जी दा दिलों धन्यवाद। उन्होंने मेरे परिवार वालों पंजाब के लोगों की लगभग एक सदी तक निस्वार्थ सेवा विच विश्वास जताया है। मेरे परिवार ने हमेशा समाज के सारे वर्गों के दलितों, किसानों, नौजवान, महिलाओं ते कुचले हुए साथियों के अगे वधाउण दे लई काम किया। मेरे सहुरे साहब स्वर्गीय मास्टर गुरबंता सिंह जी पंजाब की एक उकी राजनीतिक शख्सियत सन। ओ एक महान एजुकेशनिस्ट अते एक महान दलित नेता। ओ सूबे दे खेतीबाड़ी मंत्री रहे अते पंजाब विधानसभा विच सत बार चुने गए। जब ये ज्वाइन करने का फैसला लिया तो मन में बड़ा एकदम इमोशनल सा था कि 35 इयर्स एक पार्टी में लगाया और एनएसयूआई से पॉलिटिक्स शुरू किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और वहां से लेके मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, वहां से लेके शुरू करके और आगे यूथ कांग्रेस
आपकी सरकार के वक्त भी और दोनों सरकारों के वक्त में, और आरडीए लेवल पे सेक्रेटरी जब बना तो मेरे को हिमाचल का चार्ज मिला, और हिमाचल में जब इलेक्शन थे तो उस वक्त से हम लोगों ने मिलकर काम किया पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए। पर आज ये बात है कि पंजाब के भले की बात मैं साढ़े जी और अश्विनी वैश्विन जी से यही बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अब बहुत जरूरी है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो उसके साथ हमारा तालमेल रहे। और पंजाब के लिए मैं पॉलिटिक्स में ये बीजेपी में आने का फैसला किया है कि पंजाब से नहीं, मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार